दिल्ली की ओर दोबारा कूच कर रहे किसान जेसीबी समेत कई बड़ी मशीनों का इस्तेमाल करने की तैयारी कर रहे हैं। ऐसे में हरियाणा पुलिस ने अपनी तरफ से मशीनों के मालिकों को चेतावनी जारी कर दी है। 21 फरवरी को पुलिस ने मशीन के मालिकों को प्रदर्शनकारियों को मशीन देने से बचने के लिए कहा है। अगर ऐसा नहीं होता है तो कड़ी कार्रवाई भी की जा सकती है। पुलिस ने लिखा, पोकलेन जेसीबी के मालिकों और संचालकों, कृपया प्रदर्शनकारियों को उपकरणों की सेवाएं न दे। कृपया प्रदर्शन स्थल से इन मशीनों को हटा ले। इन मशीनों का इस्तेमाल सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने के लिए हो सकता है। ये एक गैर जमानती अपराध है और आपको अपराधी ठहराया जा सकता है। वहीं एडिशनल सीपी सागर सिंह कलसी ने किसानों को रोकने के लिए क्या पुख्ता इंतजाम किए हैं उसके बारे में उन्होंने बताया। हमें हमारे जो गाजीपुर बॉर्डर पे हम खड़े हैं और हमारे साथ वाले जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं यूपी के गाजियाबाद और नोएडा, वहाँ की पुलिस के साथ हमारा राफ्ता पूरा कायम है। अभी तक कोई खास इनपुट नहीं है किसी भी तरीके से कोई जो हमारे गाजीपुर साइड पे फार्मर्स की आने का, लेकिन इसके साथ हमारा जो अदर और मोर इम्पॉर्टेंट एक प्रायोरिटी है कि इलाके में शांति व्यवस्था कायम रहे, ऑर्डर कायम रहे। आप देख रहे होंगे इस समय जो है ट्रैफिक भी प्रॉपर चल रहा है और हमारा जो ट्रैफिक पुलिस है उनका भी थ्रू सोशल मीडिया और लोकल जो उनकी तैनाती के साथ भी उनका यही प्रयास है कि किसी भी तरीके का कोई ट्रैफिक का खलल ना पड़े। अगर कभी कुछ ऐसा होता है तो ऑनलाइन हम डाइवर्जन वगैरह का बताया जाए। इसके साथ हम इलाके में भी गश्त हमारी कायम है ताकि इलाके में क्राइम और जो इनकी सिचुएशन है वो अच्छी रहे। किसान यदि यहाँ पर कूटिया की गई है ग्राउंड जीरो, हमने हर तरीके की जो हम तैयारी कर सकते हैं जिससे कि किसानों की जो तैयारी हमें ऑनलाइन या अपने ह्यूमन इंट के थ्रू मिलती है उसके चलते क्या नेसेसिटेटेड है, क्या ज़रूरत है, वो हमने यहाँ रखी हुई है। एज़ रिगार्ड्स टू हमारा जो उनके साथ व्यवहार रहेगा, हम पीसफुली उनके साथ डायलॉग करते हुए हैंडल करने की कोशिश करेंगे और हमें पूरी उम्मीद है कि ये हम इसमें सक्षम रहेंगे। देखिए, एट प्रेजेंट जो दिल्ली के 5 मेजर ईस्टर्न साइड से आने वाले बॉर्डर्स हैं, चिल्ला बॉर्डर है, गाजीपुर है जो ये ईस्टर्न जो हमारा NH9 बोलते हैं इसको, नेशनल एक्सप्रेसवे 3, फिर भोपरा बॉर्डर है, एक अप्सरा बॉर्डर है और एक ज्योति नगर साइड में मीत नगर बॉर्डर है। हर जगह ट्रैफिक एकदम स्मूथ है और कोई अभी तक डाइवर्जन नहीं है। खबरें आ रही हैं कि पुलिस की तरफ से बैरिकेड्स और आंसू गैस के गोले के बाद अब किसान जेसीबी मशीनें, अर्थ मूवर्स, बुलडोजर्स और गैस मास्क जैसे उपकरणों के साथ आए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक किसानों का सामना करने के लिए पुलिस भी बुलडोजर्स लेकर आई है। साथ ही सरकार ने भी कंक्रीट के बोल्डर्स और शिपिंग कंटेनर्स जैसे उपाय करने की तैयारी की है। वहीं किसान नेता सरवन सिंह पंडेर का कहना है कि हमने सरकार से कहा है कि आप हमें मार सकते हैं लेकिन कृपया किसानों पर अत्याचार न करें। हम प्रधानमंत्री से अनुरोध करते हैं कि वो आगे आए और किसानों के लिए MSP गारंटी पर कानून की घोषणा करके इस विरोध को समाप्त करे। ऐसी सरकार को देश माफ नहीं करेगा। हरियाणा के गांवों में अर्धसैनिक बल तैनात है। हमने कौन सा अपराध किया है? हमने कभी सोचा नहीं था कि ताकतें हम पर इस तरह जुल्म करेंगी। कृपया संविधान की रक्षा करें और हमें शांति पूर्वक दिल्ली की ओर जाने दें। ये हमारा अधिकार है। वही किसान नेता सरवन सिंह ने क्या कुछ कहा है सुनिए। अभी हम लोगों ने फैसला किया है कोई युवा कोई किसान मजदूर आगे नहीं जाएगा, लीडर बढ़े जाएंगे, आगे जाएंगे, सरकार प्रहार करेगी, खाली हाथों से झड़ेंगे। सरकार हमारे ऊपर अटैक करने के लिए तैयार हो गई। BSF पंजाब में भी घुसाई गई। हम अपने जवानों के ऊपर अटैक नहीं करेंगे, वो हमारे हैं। हम सरकार से आज भी मांग करेंगे कि दिल्ली से बड़ा फैसला करें। आप कहें कि MSP का गारंटी कानून बनाएंगे, ये सारी स्थिति समाप्त हो सकती है, ये गतिरोध खत्म हो सकता है। तो ये निर्णय है कि हम पीसफुली शांतमयी ढंग से आगे बढ़ेंगे, उस कमिटमेंट पर खड़े हैं। अगर हम मर भी गए, सब देश के वासियों को, युवाओं को अपील करते हैं इस आंदोलन को पीसफुली चला दें। पीसफुली आंदोलन, सरकार खत्म होएगी, हम जीतेंगे। इस आंदोलन को हमारे पीछे भी जारी रखना, यह निर्णय है। बिल्कुल कोई युवा आगे नहीं जाएगा, किसान लीडर आगे जाएगा। किसान
डल्लेवाल साहब, पंदेर और सब बड़े लीडर सब आगे जाएंगे और कोई आगे नहीं जाएगा। इधर पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने भी किसानों को हाईवे पर ट्रैक्टरों के इस्तेमाल पर फटकार लगाई है। कोर्ट का कहना है कि मोटर व्हीकल एक्ट के अनुसार हाईवे पर ट्रैक्टर ट्रॉली का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। वहीं हरियाणा पुलिस ने भी पंजाब पुलिस से 20 फरवरी को बुलडोजर जब्त करने के लिए कह दिया है। टाइम्स नाउ नव भारत डिजिटल की रिपोर्ट।